अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा। नाज़रीन, मैं आपके सामने एक बड़ी ही अहम बात करने वाला हूँ, बड़ी अहम बात है। इंशाल्लाह मैं चार चीज़ें नाज़रीन के सामने रखूँगा जो कि जादू को उखाड़ के फेंक देने वाली, जितना भी सख्त जादू हो अल्लाह के हुक्म से वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहली बात कौन सी है नाज़रीन? जब भी कोई काम करें दुरूद इब्राहिम ना छोड़ें, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ें। तो ये बड़ी अहम बात। और इसी तरह सूरह फातिहा, ये शिफा मिन कुल्ली दा, हर बीमारी का इलाज है, ये भी लाजमी पढ़ लें। और इसके साथ साथ जो जादू को उखाड़ने वाली चीज़ें हैं ना ज़बरदस्त तरीके के साथ, वो है सूरह बकरा। ये उखाड़ के फेंक देती है अल्लाह की कसम। इंसान के अंदर गुनाह ना हो, इंसान गलत सुनता ना हो, पेट में हराम खाता ना हो, मुंह से गंदा ना बोलता हो, चुगली गीबत गाली ना देता हो, तो अल्लाह की कसम ये सूरत बकरा तलवार की धार की धार का काम करती है। ये उठा के फेंक देती है हर चीज़ को। और इसी तरह नाज़रीन सूरह यूनस की 85-86 नंबर आयत अगर आप पढ़ लें इसके साथ, अल्लाह ही तवक्कलना, ये आपके सामने आ गई। रब्बना ला तजालना फितना तलिल कौमी ज़ालिमीन वरज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफ़िरीन, ये उठा के फेंकती है। और इसी तरह फ़ुलिबु हुनालिका वन्क़लबु सागिरीन, ये आयत लाजमी पढ़े। ये तीसरी आयत है जो कि जादू को फेंक देती। और आखिरी आयतें दो सूरतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं बड़े दम पढ़ता था, बड़ा बड़ा जिक्र किया करता था, बड़ी पढ़ाई करता था, लेकिन अल्लाह पाक ने जब मुझे ये फलक नास दिए ना, उसके बाद मैंने पढ़ाइयाँ करनी छोड़ दी। अगर ये ना आती और मैं इलाज ना करता तो यहूदी लोग मुझको नऊज़ बिल्ला, मैं अल्फाज नहीं अदा कर सकता कि क्या बना देते कि यहूदी लोग जो चाहते मेरे साथ करते। तो नाज़रीन ये फलक नास चौथा अमल है, इसके साथ जोड़ लें वल्ला, ये कमाल के अमाल हैं चारों। ये चार अमल आप करें इंशाल्लाह ताला, मैं अल्लाह पे यकीन करके गारंटी देता हूँ कि उखाड़ के जादू को फेंक दें। दोनों हाथों पे ऐसे करें, फूंक मारें, चेहरे पे मलें, अपने सर पे मलें, जिस्म पे जहाँ जहाँ हाथ जाता है पहुँचा दें। और पहुँचाने के बाद आप पानी पर दम करें, अगर पिलाया गया है तो पेट से ये जादू सारा उखाड़ के फेंक देगा। और इसी तरह सर में थोड़ा सा पानी डालें, अगर सर में मसला तो वो दिमाग ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, दिल की धड़कन पीने से ख़त्म हो जाएगी। और चारों कोनों में पानी छिड़कें, ये चीज़ें चार ही चीज़ें पढ़ के। और इसी तरह इसके साथ साथ आप उसको पिलाएं जो मरीज़ है, अल्लाह पाक सेहत देगा। और नहला दें, उसको नहाएं, तीन दिन उसको कहें नहा, तेल पे दम करें, जिस्म पे मालिश करें, तो नहाए, अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमा देगा और ये बहुत बड़ी शिफा से अल्लाह नवाजेगा और ये जादू ख़त्म हो जाएगा। और अल्लाह पाक बरकतें भी देगा। सूरह बकरा पढ़ने की बड़ी फजीलत है नाज़रीन, और सूरह यूनुस की जो मैंने आयतें बताई हैं, अल्लाह पाक आपके अगर कारोबार पे जादू है तो कारोबार पे बरकत आ जाएगी आपके। अगर इसी तरह रिश्ते में कोई मसला है तो अल्लाह रिश्ते के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा कर दे। अगर बंदिश का मसला है, औलाद नहीं हो रही, तो अल्लाह पाक औलाद से नवाज देगा। अगर शादी में बंदिश है, रिश्ता नहीं हो रहा, तो रिश्ता अच्छा मिलेगा, सोच के मुताबिक मिलेगा। ये चीज़ें पढ़ने से कुरान व नज़िल मिनल कुरान मा व शिफा, हमने इस कुरान को शिफा बनाया। शिफा यही नहीं है कि सिर्फ बीमारी दूर होती है बस, नहीं, बल्कि इससे बरकत आती है, इससे रहमत आती है, अल्लाह का फजल आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे पे मेहरबान होता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक दे। अमा अलैना।